नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। आज के समय में आधार कार्ड हमारे सबसे जरूरी डॉक्यूमेंट में से एक है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आपके पास आधार कार्ड होना जरूरी है। इसके अलावा अधिकतर आधिकारिक कामों में आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है। समय के साथ आधार कार्ड में काफी बदलाव आए हैं। UIDAI इस साल PVC आधार कार्ड लेकर आया है। यह कार्ड आसानी से पर्स और जेब में आ जाता है और मजबूत होने के कारण लंबे समय तक चलता है। UIDAI ने आधार कार्ड से जुड़ी कई सेवाओं को काफी बेहतर और आसान कर दिया है। अब आप घर बैठे अपना आधार कार्ड सुधरवा सकते हैं। इस बीच आधार कार्ड से जुड़ी एक सेवा बंद भी हुई है। पहले आधार कार्ड खो जाने पर नए आधार कार्ड सुधरवा सकते हैं। पहले आधार कार्ड खो जाने पर नया आधार कार्ड के लिए रीप्रिंट का ऑर्डर देकर आप अपने रजिस्टर्ड पते पर मंगवा सकते थे। इसके लिए आपको ₹50 का शुल्क भी देना होता था, लेकिन अब UIDAI ने यह सेवा बंद कर दी है। UIDAI अब आधार कार्ड को PVC फॉर्मेट में बना रहा है, जिसका साइज एक डेबिट कार्ड जितना छोटा है। पुराने कार्ड के मुकाबले नए कार्ड को आसानी से अपनी पॉकेट या वॉलेट में रखा जा सकता है। अगर आपको नया आधार कार्ड मंगवाना है तो आप PVC आधार कार्ड के लिए ऑर्डर दे सकती हैं। एक व्यक्ति ने ट्विटर पर आधार कार्ड हेल्पलाइन से पूछा कि क्या मैं अपना आधार लेटर रीप्रिंट कर सकता हूँ, मुझे वेबसाइट पर कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। इसके जवाब में आधार हेल्प सेंटर ने कहा कि यह सर्विस अब बंद कर दी गई है। आप ऑनलाइन माध्यम से आधार PVC कार्ड ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। अब आप एक मोबाइल नंबर से ही अपने पूरे घर के लिए PVC आधार कार्ड बनवा सकते हैं। इसका रखरखाव करना काफ़ी आसान है। यह साइज़ में ATM डेबिट कार्ड के जितना होता है। इसे आप आसानी से अपनी जेब या वॉलेट में रख सकते हैं। हालांकि पहले की तरह PVC आधार कार्ड के लिए भी आपको ₹50 फीस के रूप में देने होते थे, और आज भी वही चीज़ है। PVC आधार कार्ड बनवाने के लिए UIDAI की वेबसाइट uidai.gov.in या resident.uidai.gov.in पर जाकर अपना आधार कार्ड नंबर, वर्चुअल ID नंबर या फिर रजिस्ट्रेशन नंबर डालें। अब ₹50 की फीस देकर आप ऑर्डर भी करें, कुछ दिन बाद आपका नया PVC आधार कार्ड आपके रजिस्टर्ड पते पर पहुंच जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN। We'll be right back.